घर में तो श्रवण कीर्तन स्मरण करो, अथवा तो कोई पास पड़ोस में तुमको कोई ऐसो भगवदी सेवा कथा परायण भगवदी को सत्संग मिलते हो तो वाकू बहुत जो भी कुछ जीती वो अलाउ करते हो तुम्हारे आपसी संबंध के कारण, उतनी सी वाकू कोई परिचर्या वाके घर में करी आओ। मने प्रभु की सेवा नहीं पर प्रभु के सेवा करने वाले की सेवा करी आओ। परिचर्या का मतलब ध्यान से समझो, तदीय सह तत्पर ही अधूरे विप्र कर सेवा यथा चित्तम न दुष्यति को मतलब यह तो कि प्रभु की सेवा तो तुम्हारे घर में ही होगी, वो तो तुम नहीं कर सकोगे, वो तुम्हारे सुनिब नहीं रही है, तो कोई चिंता की बात नहीं। जो प्रभु सेवा परायण है, भगवत कथा परायण है, ऐसे कोई भगवदी को अधूरे विप्र कर सेसु सत्संग करते भय, वाकी जितनी सेवा कर सकते हो थोड़ी बहुत, वो भी कोई अधिकार के रूह के तहत नहीं। जैसे परस्पर हर आदमी एक दूसरे को कॉपरेट करते हुए है, वो आज भी जैसे शादी ब्याह होती हो कोई परिवार में, तो जो भी वह परिवार के सगे संबंधी होए, वो कुछ जाके अपना अपना जात और ऐसे कॉपरेट कर सकते हो, थोड़ा बहुत कॉपरेट कर दें, वह में कोई उनसू टैक्स के तौर पे वो कॉपरेशन मांगे नहीं जा सके और राइट के तौर पे वो कॉपरेशन क्लेम नहीं किया जा सके, तुम्हारे यहाँ शादी ब्याह हुई तो हम ही ये करेंगे काम। वो तो एक आपसी मधुर संबंधन की कथा है कि जिन परिवार को जाके साथ, और बहुत करके गुसाई बालकन के यहाँ भी जो वैष्णव आते थे वो यही मधुर संबंध से आते थे कि जिनके घर भगवत सेवा नहीं निभ रही है तो उनने थोड़ी बहुत गुसाई बालकन की सेवा करनी शुरू करी, वाह न्यायसु। अब वो एक के फिर चार बेटा हो गए, चार के 16 हो गए, माल्थुजियन थ्योरी के हिसाब से 16 के 64 हो गए और वो पब्लिक हो गई पैदा। एक्चुअली वो कोई एक बेचारो जीव है तो व्यावृत के जो घर में भगवत सेवा नहीं कर पा रहे हो तो गुसाई बालक के साथ हुआ के संबंध होंगे ही घनिष्ठ, स्वाभाविक बात है, गांव में और कौन के साथ घनिष्ठ रखे बेचारो वैष्णव। तो वह घनिष्ठता के कारण वाने गुसाई बालक के यहाँ आके कुछ सेवा करनी शुरू करी। अब वो गुसाई बालक को भी खोटी याद रह गई कि हाँ इनका बाप तो हमारे यहाँ सेवा करते तो, और उनको भी याद रह गया कि हमारा बाप इनके यहाँ सेवा करते तो। अब वो चार के 16 भय, 16 के 64 भय और 64 के न जाने कितने हो गए, और गुसाई बालक भी पब्लिक हो गए और ठाकुर जी भी पब्लिक हो गए और वो वैष्णव भी सब अपने आप को व्यावृत नहीं मान के पौभ मानने लग गए कि हम पौभ हैं, यहाँ तो हमारा अधिकार है सेवा करना। ये कैसे आखो डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ पुष्टि मार्ग भयो, वाकी भीतरी हिस्ट्री में आपको समझा रहे हूँ। हमें बेसिक कारण ये माल्थुजियन थ्योरी होती कि एक के चार हो जाए, चार के 16 हो जाए, 16 के 64 हो जाए तुरंत, और फिर पता नहीं चले कि ये पब्लिक है कि प्राइवेट है, तो क्योंकि 64 जब आ गए फिर पता चलना मुश्किल है कि वो प्राइवेट एक रिलेशन है तो पर्सनल रिलेशन है, तो वो तीसरी चौथी पीढ़ी पे वो जो पर्सनल रिलेशन है तो वो पब्लिक आंखों एक रोल हो गया और ये डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ पुष्टि मार्ग हो गया। तो ये ट्रेजेडी भाई है। अब वा वक्त कोई सावधानी बरती गई होती तो आज अपने पुष्टि मार्ग की दुर्गति नहीं होती। वा वक्त अपन ने वो इंस्टीट्यूशन पैरेलल खड़े किए होते कि जा इंस्टीट्यूशन के कारण अपन ऐसे जो व्यावृत जीव हैं उनको कोई कथा के श्रवण कीर्तन स्मरण को, जैसे सिंध में कोई भी पुराने सिंधिनसु पूछ के देखो, एक सुखधाम करके संस्था चलती थी, वहाँ कोई ठाकुर जी की सेवा नहीं होती, एक चित्र जी रहते श्री जी के, उनको माला धरा के सब लोग वहाँ सत्संग करते कीर्तन करते और घर जाते अपने, क्योंकि घर में सेवा की जिनको नहीं सगवड़ थी। ऐसे सुखधाम की सिंध में बहुत सुंदर समझदारी की एक पद्धति चलती थी, कभी भी कोई बूढ़े सिंधी को पूछोगे तो बताएगो, और अभी भी अपवाद के रूप से कहीं कहीं जहाँ सिंधी कॉलोनी है वहाँ आज से 5-10 बरस पहले तक सुखधाम चलते थे, पर अब वहाँ पाछो मंदिर हवेली को कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दियो गयो कि भाई सुखधाम काय को चलानो, दुखधाम क्यों नहीं चलानो अपने जब चली रहे हो सब गांवन में तो अपने यहाँ क्यों दुखधाम नहीं चलानो, अपने ही क्यों सुखधाम चलानो। तो या तो रहे वो सुखधाम भी पाछे डीजनरेट हो गए हैं दुखधामन में, प्रभु को दुख देने को धाम, पुष्टिमार्ग को दुख देने को धाम, और महाप्रभु जी को तो ऐसे दुख की पराकाष्ठा देने को धाम। ऐसे दुख धाम सब जगह शुरू हो गए इक्के दुक्के वो, क्योंकि प्रायः तो बहुत सारे सिंधी पुष्टिमार्ग को छोड़ के ही अब भाग गए, तो बहुत कम बचे सिंधी हैं जो
अब पुष्टि मार्ग सुवातर है सु एफिलिएटेड हो, पर जितने बचे हैं वो बेचारे चला रहे थे, उनको भी बहका दियो गयो कि यहाँ दुखधाम शुरू करो, वो दुखधाम बन गए। पर ऐसी कोई पैरेलल इंस्टीट्यूशन वा बखत सोची होती, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करी होती, तो संप्रदाय को इतिहास कुछ और हो। तो आज जो दुर्गति अपनी हो गई वो नहीं होती, हर वैष्णव या बात को समझ पातो कि चलो सुखधाम में अपन बैठ के कीर्तन कर लें, वार्ता पढ़ लें, थोड़ी प्रभु को पाठ कर लें और फिर अपने अपने घर जाएं, क्योंकि घर में सेवा निभ नहीं रही है। तो ऐसे कोई पैरेलल और भी कुछ सोचे जा सकते, तो वो सारी बातें सोची नहीं गई और खुल्लो मैंने छुट्टी लगाम से घोड़ान को छोड़ दिए गए कि जो कहाँ जा रहे हैं, खड्डा में जा रहे हैं कि पहाड़ पे जा रहे हैं, जाको सवार को होश नहीं, और उनने कहाँ पटक्यो ये तो अपन जान ही रहे हैं, यदि ग्रंथ पढ़े तो। आज वैष्णव को ये सवाल हुआ है कि परंपरा चल रही, पर परंपरा बहुत पुरानी नहीं है, सिद्धांत विरोधी परंपरा है, और अपनी लाचारी, अज्ञान और अर्थ लोलुपता और धर्म लोलुपता के कारण पनपी ये परंपरा है, सच्चे सिद्धांत सच्चे आदर्श पे पनपी ये परंपरा नहीं है। तो एक ये प्रकार है तो कि या तरह से अपन कुछ करें, दूसरा प्रकार यह तो कि यदि बीज भाव कोई को दृढ़ भयो है, मतलब सचमुच में कोई परम भगवदी हो गयो है, तो फिर घर में काय कुरे यार, कर्ण तीर्थाटन जैसे महाप्रभु जी ने 30 साल की हो तो 30 साल मत कर, 10 साल तो कर, हवेलीन में चक्कर मारे या के बजाय तीर्थाटन कर तो रहे। वो तीर्थाटन आजकल कोई को गम पसंद नहीं आवे, वो ब्रिज को तीर्थाटन पसंद आवे, ढोकला फाफड़ा नाश्ता मा सवारे चाय सांझे चाय अने पेलो टेंट मा कोको कोला अने ब्रेड अने बधु मलशे, वो सब तीर्थाटन पसंद आवे है। ये जो महाप्रभु जी ने जो तीर्थाटन को बात समझाई थी एज ए मैटर ऑफ डिसिप्लिन, एकाकी निष्प्रह शांत पर्यटन, तो निष्प्रह शांत हो के कोई जात को संग्रह किए बिना, वो तो ब्रज यात्रा को आप देखो पढ़ो अहवाल, तो साथ में एक बैंक चले, साथ में एक पेस पोस्ट ऑफिस चले, साथ में रसद चले और एक मुकाम से दूसरे मुकाम की रसद चले, और थोड़ी सी भी व्यवस्था में गड़बड़ हो जाए तो अब सब यात्री हैं उद्विग्न हो जाए, वो कोई महाप्रभु जी वाली तीर्थाटन थोड़ी है, कैसे विचर रहे हैं निष्प्रह, कभी झाड़ के नीचे कभी पहाड़ के ऊपर, कभी नदी के किनारे, कभी बरसात में भींजते हुए, कभी धूप की गर्मी में झुलसते हुए, वैसे तीर्थाटन बेचारे जैन लोग कर रहे हैं अभी भी साधु हैं। बाकी पुष्टि मार्ग को ऐसे तीर्थाटन से नाम मात्र को संबंध नहीं है, सब भाग जाए, कोई को कौन है कि चलो एक आध दिन तीर्थाटन करने, एक नहीं आएगा दुष्ट, एक दुष्ट नहीं आएगा जब ब्रज यात्रा में सब ढोकला फाफड़ा खाने आ जाए, उनमें से एक नहीं आएगा। ऐसी अपनी भोगवादी मनोवृत्ति हो गई, तो जो महाप्रभु जी ने जो कुछ प्रिस्क्राइब किया वो सब अपन मिस कर गए, टारगेट ही अपने निगाह में से हट गए कि काय कहाँ शूट करना, तो कुछ बलती जगह ही अपन शूट कर रहे हैं, धूम धड़ाक कर रहे हैं। तो बात ध्यान से समझो कि वो कथा को जो एक ऑल्टरनेटिव है तो कि कथा श्रवण करो, दूसरा ऑल्टरनेटिव है तो कि कोई भगवदी जो भगवत सेवा कथा परायण है वाके साथ वाकी परि